चंद्रपुर स्थित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागपुर विमानतल पहुंची। इस दौरान सूले द्वारा पत्रकारों से विविध विषयों पर संवाद साधा गया। इस दौरान वे बोली, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, हमारे दोनों नेताओं ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वे जेल में हैं। यह हमारे और हमारे नेताओं के साथ अन्याय है। हमारा अपने न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। हमें आज हो या कल न्याय निश्चित ही मिलेगा, ऐसा विश्वास है। दोनों को वोट का मौका मिले, इसके लिए खुद छगन भुजबल प्रयास कर रहे हैं। हमारे दो नेतागण जिन्होंने कुछ नहीं किया वो दोनों जेल में फंसे हैं। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोर्ट से हमको आज नहीं तो कल ज़रूर न्याय मिलेगा। और आप ये रिकॉर्ड करके रखिए, जब दोनों बाहर आएंगे और उनको क्लीन चिट मिलेगा तो मेरा ये रिकॉर्डिंग ज़रूर आप बजाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पूरी केस पता है दोनों केस में क्या हो रहा है। और तो जिस तरह से केंद्र सरकार जो उनके खिलाफ बोले, आप देखिए, आप डेटा निकाल के देखिए, देश में जो जो देश केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसी के ऊपर रेड है। इनकी आप देख लीजिए, इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का में डालना चाहिए। 109 बार देशमुख फैमिली के यहाँ रेड हुए, 109, तो 108 बार क्या कर रही थी जब रेड कर रहे थे? 109 बार करनी पड़ी क्योंकि 108 बार कुछ मिला ही नहीं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। दिस इज जस्ट शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, एक बात। और दूसरी बात जो मुझे आश्चर्य लगता है कि जिस आदमी पे ही सारे आरोप है